बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। अतिथि शिक्षकों को सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। 12,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है। 30% रिजल्ट वाला बैरियर अब खत्म कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जो रिजल्ट का बैरियर था वो खत्म कर दिया। 30% से कम रिजल्ट वाले अप्लाई कर सकेंगे। पोर्टल में अनलॉक कर दी गई है ब्लॉक आईडी। तो एमपी में अतिथि शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ी राहत अतिथि शिक्षकों को दी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन भी, जहां वो उन्हें परमानेंट करने की मांग थी उनकी और कई ऐसी मांगे भी थी। और अब ये बहुत बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों को लेकर, 12,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को इससे राहत मिलने वाली है, स्कूलों में लगने का मौका मिलेगा। तो आज लगभग पहला आदेश तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो 30% से कम रिजल्ट वाले साथी थे उन्हें दोबारा स्कूलों में मौका कार्य करने के लिए मौका दे दिया गया है। क्योंकि हम लोगों का जो पोर्टल होता है उसमें हमें ब्लॉक कर दिया गया था कि आपका रिजल्ट 30% से कम है, इसलिए आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आज उसे हमारे पोर्टल से हटा लिया गया है, इससे हमारे बहुत सारे साथियों ने स्कूल में ज्वाइनिंग ले ली है। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय और आयुक्त मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर अतिथि शिक्षकों की मांग माने जाने को लेकर बीजेपी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण मांग पूरी कर दी गई है। सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य में उनकी अन्य मांगों को भी माना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण मांग 30% से कम परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को फिर से सेवा के लिए पोर्टल खोला जाए, यह सरकार द्वारा मान ली गई है। सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों एवं उनके परिवारों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी अतिथि शिक्षकों के हित में अन्य निर्णय लिए जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसी में कि कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने अतिथि शिक्षकों की एक मांग मानकर एहसान नहीं किया है। कांग्रेस अतिथि शिक्षकों की सभी मांगों को लेकर पूरी लड़ाई लड़ेगी। देखिए, दो दिन पहले जब अतिथि शिक्षकों पर लट पड़ रहे थे तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्षी उनसे मिलने गए थे, बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया था। और आज उनकी इतनी सारी मांगे हैं, उनमें से एक मांग मानकर के अतिथि शिक्षकों पर एहसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी। अतिथि शिक्षक अपनी सारी मांग मनवाना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक हैं वो, शिक्षकों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हम ये नहीं होने देंगे, हमारे पूरे नेता पूरी ताकत से अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी अतिथि शिक्षकों की हर लड़ाई में खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री साय आज से मध्य प्रदेश और गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में स्टेट प्लेन से वो रायपुर एयरपोर्ट से उज्जैन जाएंगे और उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। शाम को उज्जैन से गुजरात के गांधीनगर जाएंगे। कल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट में वो शामिल भी होंगे।